हेलो सर, समझ में आया क्या? जिसे जिसे नहीं समझ में आता है वो चैट बॉक्स में लिखो कि नहीं समझा, बाकी जो समझ गया उसको कुछ लिखना नहीं है। जिसे डाउट है, जिसको नहीं समझा वही चैट बॉक्स में लिखेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हम देखो यहाँ पे। नेक्स्ट सम में 12/5 मल्टीप्लाई बाय 4/15। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 12 है और ये 4 है, ये सामने मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर में, और ये 5 है और ये 15 है। हम इसे क्या करेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे इसे लिखेंगे। ठीक है ना, अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो 12 है, ये 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, 3/4। ठीक है, और ये जो 15 है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/5 लिख सकता हूँ। ओके, स्प्लिट किया उसे हम लोग ने। ठीक है, 12 जो न्यूमरेटर में 12 है उसे लिखा 3/4, और जो डिनोमिनेटर में 15 है उसे लिखा 3/5। ठीक है, अब उससे क्या होगा, यहाँ पे देखो ये पूरा ऊपर नंबर में क्या क्या मिलता है हमें, 3/4/4। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, 3/5/5/3/5। ठीक है, जिससे क्या होगा, अब यहाँ पे न्यूमरेटर को ये 3 और ये 3 कैंसिल हो सकता है, 3 और 3 कैंसिल हो सकता है क्या? ठीक है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर कैंसिल हो गया। ठीक है, बच्चा यहाँ पे क्या, अगर ये जब कैंसिल होता है, ये 3 और ये 3 कैंसिल होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 4 बच जाता है और ये 5 और 5 बच जाता है। ठीक है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, 4 और 4, 4 4 कितना होगा, ये 4 और 4 बचा, 4 4 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 5 और 5 है, ये 5 5 कितना हुआ, 25। ठीक है, 5 5 कितना हुआ, 25। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया, 16/25। सबको समझ में आया 16/25 फिर से आया? ठीक है, किसी को डाउट, इसे भी डाउट है वो चैट बॉक्स में। 4 को स्प्लिट करके क्या करोगे, 4 स्प्लिट होके नहीं करना है ना, 4 को 2 स्प्लिट करके बाद में मल्टीप्लाई तो करना है, कैंसिल तो होने वाला नहीं है। हम स्प्लिट क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कैंसिल होने के लिए। ठीक है, 4 को स्प्लिट करके मतलब नहीं है, क्योंकि वो कैंसिल होगा नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोगों ने 12 को क्यों स्प्लिट किया 3 जा, क्या हुआ मनीष, क्या नहीं समझ में आया, स्टार्टिंग से देखो, फिर से देखो। यहाँ पे 12/5 है और 4/15 है। ठीक है, ये 12 सामने सामने, 12 4 से मल्टीप्लाई होगा, 12/4। ठीक है, और यहाँ पे ये 5 × 15 है, ये सामने मल्टीप्लाई होगा, 4 5 सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो, लेकिन नंबर बड़ा हो जाएगा ना, रेड्यूस भी तो करना है, रेड्यूस भी तो करना है। सामने सामने मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आता है, यहाँ पे आ जाएगा 48 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 75। बाद में इसको स्प्लिट कैसे करोगे, रेड्यूस कैसे करोगे, रेड्यूस भी तो करना है ना। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग ने उसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने से क्या होगा, ये 12 को मैंने क्या लिखा, 3/4। ठीक है, और ये 15 को लिखा 3/5, जिससे क्या होगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो सकता है। ठीक है, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 और 4 बचेगा, तो 4 4 16 हो गया, और यहाँ पे 5 और 5 बच गया, 5 5 25 हो गया। ठीक है, इसके आगे और रेड्यूस तो नहीं हो सकता, रेड्यूस भी तो करना है उस हिसाब से। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग ने उसको क्या किया। ठीक है, तो आंसर कितना आया, फाइनल आंसर 16/25। ओके, ओके,
थोड़ा सा देखो यहाँ पे नेगेटिव है, थोड़ा अच्छे से देखो, नेगेटिव साइन रहेगा तो कैसे क्या करना है। यहाँ पे अगेन न्यूमरेटर में है, यहाँ पे पूरा नंबर क्या है -8/9 और यहाँ पे है 3/4, ठीक है ना। तो इसे -8 और ये 3 सामने मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर में 9 और 4 है वो नीचे मल्टीप्लाई हो गया डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब यहाँ पे स्प्लिट क्या किया है देखो, ये 4 को, ये 8 जो 8 है, -8 है, उस -8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -2/4 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 8 को क्या लिखा, 2/4 लिखा, ठीक है ना। लेकिन जो साइन माइनस है तो यहाँ पे दोनों में से एक को माइनस आएगा ही, तो मैंने -2 को दिया, जो माइनस है वो 2 में साइन में दिया, ठीक है। वो क्यों दिया मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो मैं -8 को क्या लिख सकता हूँ, -2 × 4, ठीक है। इस -8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 × 4। यहाँ पे किसी को डाउट? ओके। और जो नीचे है 3, 9 है, उस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को 3 से लिख सकता हूँ, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो 9 है उसे मैंने क्या लिखा, 3 लिखा, ओके। यहाँ तक किसी को डाउट? ये समझ में आया ये पूरा स्टेप? ये स्टेप समझा क्या पवन सावन? समझा? हाथ ऊपर करो, समझा तो। ओके ठीक है, सबको समझ में आया ना? यश जादव समझ में आ रहा है? यश जादव यश जादव इसको नहीं किया है उधर से, उसने नहीं किया, उसको बोलो बताना पड़ेगा। हाँ ठीक है, रुको मैं कराता हूँ पहले एक कर दो, उसको फोन कर दो क्या, रियलमी C3 है उसका। हाँ उसको फोन करके बताओ, बोलो उसको। स्टार्टिंग से देखो, -8/9 है मल्टीप्लाई बाय 3/4 है, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर में क्या है, -8 और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। और डिनोमिनेटर में 9 और 4 है, तो 9 और 4 नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, बराबर। आगे ये जो -8 है, -8 को मैं लिख सकता हूँ -2/4, लिख सकता हो। रिड्यूस क्यों कर रहे हैं? रिड्यूस तो करना पड़ेगा ना, फाइनल आंसर जो भी होगा, एडिशन सबट्रैक्शन व्हाटएवर जो भी रहता है, उसका फाइनल आंसर हमेशा रिड्यूस फॉर्म में होना चाहिए। समझ में, हम कितना भी बड़ा नंबर लिख नहीं सकते, हमें फाइनल आंसर जो भी चाहिए वो हमें रिड्यूस फॉर्म में ही चाहिए रहता है, ओके। इसीलिए हमें रिड्यूस करना पड़ता है, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, व्हाटएवर में भी द आंसर, बट जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो हमारे रिड्यूस फॉर्म में होना चाहिए, उसके आगे और डिवाइड होना चाहिए, ऐसा नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये -8 है, -8 को मैंने क्या लिखा, -2 × 4। -8 को मैंने क्या लिखा, -2 × 4 लिखा, ठीक है, -2 × 4 लिखा। और ये डिनोमिनेटर में 9 है, और 9 को मैंने क्या लिखा, 3 लिखा, ओके समझा। ये स्टेप समझ में आया सबको, -2 × 4 × 3, और डिनोमिनेटर में है 3 × 3 × 4, ओके। अब क्या होगा, अब देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना, और ये 4 और ये 4 कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। 3 और 3 कैंसिल हो गया, 4 और 4 कैंसिल हो गया। अभी समझ में आया 4 मैंने क्यों रखा था, क्योंकि ये 4 मुझे यहाँ पे कैंसिल करना था, इसीलिए मैंने जो माइनस का साइन है वो 2 को दिया, 4 को नहीं दिया। अगर 4 को होता माइनस का साइन तो कैंसिल नहीं हो पाता,
ठीक है ना, वो कैंसिल करना होना चाहिए था, इसलिए मैंने वो माइनस का साइन टू को दे दिया और फोर को ऐसे ही रखा ताकि वो फोर, ये फोर और ये फोर कट हो सके। ठीक है, तो जो भी कोई नंबर मिलता है हमें देखने से समझ में आता है कि वो नंबर का हमारा कट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम ये सब जो कर रहे हैं वो कैंसिल करने के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है ना, कैंसिल होना चाहिए इसीलिए हम कि कैंसिल हो जाए और हमें एक फाइनल आंसर मिले। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये फोर और ये फोर कैंसिल हो गया और ये थ्री कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ हमें क्या मिलेगा, ये माइनस टू और थ्री बच गया। ठीक है ना, माइनस टू अपॉन थ्री हम लोग ने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा, ठीक है, माइनस टू अपॉन थ्री। ओके, और सिर्फ लिखने के टाइम हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस है हम लोग क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, हम लोग ने सेवन पढ़ा है, नेगेटिव का साइन जो होता है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, बीच में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो नेगेटिव टू का साइन है वो नेगेटिव साइन मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख गया, तो हमारा फाइनल आंसर हमें क्या मिला, माइनस टू अपॉन थ्री। समझ में आया सबको, लास्ट का ये समझ में आया क्या, पूरा तीनों सम? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब डिवीजन करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को तीन सम समझ में आया, ठीक है ना, अभी हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन। ठीक है, रैशनल नंबर्स का डिवीजन कैसे होता है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे 40/12 डिवाइड बाय 10/4। ठीक है, 40/12 डिवाइड बाय 10/4। ठीक है, इसका मैं क्या करूंगा, तुम लोग ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनवर्स रेसिप्रोकल सुना है क्या, रेसिप्रोकल सुना है ना, इनवर्स रेसिप्रोकल ये सब वर्ड सुने हैं क्या। जब कभी भी हमें किसी भी दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करना रहेगा, तो जिसमें फर्स्ट रैशनल नंबर हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 40/12 लिखेंगे, फिर ये जो डिवाइड है, ये जो डिवाइड है वो डिवाइड साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और क्या हो जाएगा, ये जो 10/4 है उसका इनवर्स, उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 4/10। समझ में आया, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, 4/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया डिवीजन का, ये स्टेप समझ में आया कि कैसा आया, ये स्टेप तक किसी को डाउट है, 40/12 मैंने एज इट इज लिखा, ये मल्टीप्लाई का साइन है वो, ये जो डिवाइड का साइन है ये वाला, वो मल्टीप्लाई हो गया, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हुआ ओम, क्या हुआ, क्या नहीं समझ में आया, आवाज म्यूट करो, तुम्हारा डिवाइस म्यूट है, अनम्यूट करो उसे, सर समझ में आया, आया हाँ आया सर, हेलो बोलो सर, हम लोग मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड करके भी कर सकते थे ना, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड करके,
डिवाइड नहीं होता है ना, इसीलिए उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डायरेक्टली नहीं डिवाइड हो सकता है। इसीलिए मैंने फर्स्ट वाला नंबर 40 अपॉन 12 ऐसे ही लिखा, डिवाइड तो मैंने क्या किया बाद में कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, और ये 10 अपॉन 4 का उल्टा हो गया, इनवर्स हो गया 4 अपॉन 10। अभी यहाँ तक ये तो स्टेप समझ में आया ना सर। अब इसके आगे से तो हम लोग कर सकते हैं जो हम लोग ने प्रीवियसली किया था, इसे मल्टीप्लाई वाला है। अभी हम लोग ने किया ना मल्टीप्लाई वाला, क्या किया हम लोग ने, तो 40 को क्या लिखा 4 टेंस लिखा, 40 को क्या लिखा 4 टेंस, और यहाँ पे ऐसे ही रहेगा ठीक है। और ये जो 12 है इसे क्या लिखा 4 टेंस, जिससे अभी यहाँ पे सर आवाज आ रही है, प्रीति शेट्टी सर आवाज मेक श्योर है, आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। अभी देखो सर जिसको जो डाउट रहेगा वो चैट बॉक्स में लिख के डाउट कर सकता है ठीक है, पूछो जो भी रहेगा डाउट चैट बॉक्स में ठीक है। बाकी टाइम पे देखो यहाँ पे सुनो मैं क्या, अभी यहाँ पे ये स्टेप में क्या हुआ 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, और डिनोमिनेटर में क्या बचा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये 4 कैंसिल हो सकता है, ये 4 कैंसिल हो सकता है, हो सकता है ना, और ये 10 कैंसिल हो सकता है, ये 10 कैंसिल ठीक है। तो क्या बचा न्यूमरेटर में, क्या बचा सिर्फ ये 4 बचा जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, और डिनोमिनेटर में क्या बचा ये 3 बचा जो मैंने यहाँ पे लिखा डिनोमिनेटर। तो हमारा आंसर क्या मिल, फाइनल आंसर में क्या मिलेगा 4/3, क्या मिला 4/3 ओके। तो फाइनल आंसर मेरा क्या मिला 4/3। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, -10/11 डिवाइड बाय -11/10 ठीक ना, -10/11 मल्टीप्लाई बाय -11/10। अब ये जो डिवाइड साइन है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे ये -10/11 एज इट इज लिखेंगे ठीक है ना, -10/11 एज इट इज लिखेंगे। ये जो डिवाइड का साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन में ठीक है ना, डिवाइड साइन कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई के साइन में, और ये जो -11/10 है इसका क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। अब -11/10 का इनवर्स क्या होगा, इनवर्स में नेगेटिव साइन वैसे का वैसे ही रहता, ऊपर ही रहेगा ठीक है ना, सिर्फ नंबर चेंज हो जाएंगे। नंबर क्या है 10, 11/10 है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 10/11 ठीक है ना। नंबर क्या है 11/10, 11/10 का इनवर्स क्या हो जाएगा 10/11, माइनस का साइन ऊपर ही रहेगा, माइनस का साइन हिलेगा ठीक है। तो अब यहाँ पे इनवर्स समझ में आया, अब इसके बाद हमें क्या करना है सिंपल मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ स्प्लिट करेंगे नहीं, क्यों नहीं स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं कैंसिल, 10 को भी हम लोग कुछ कर नहीं सकते जो कि नीचे कैंसिल हो सके, और नीचे 11 है, 11 इज अ प्राइम नंबर, उसका कोई फैक्टर नहीं होगा ठीक है, तो कैंसिल होगा नहीं, तो कैंसिल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है ना। तो -10 न्यूमरेटर में -10 मल्टीप्लाई बाय -10, और डिनोमिनेटर में 11 जो 11 है 11 मल्टीप्लाई बाय 11 ठीक है ना, ये 11 मल्टीप्लाई बाय 11 हो जाएगा ठीक है ना, जहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होगा सामने से ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड है, वो डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई ठीक है ना, 11 -11/10 का क्या हो जाएगा -10/11, माइनस ऊपर ही रहेगा, ये माइनस का साइन ऊपर ही रहता है ठीक है ना, और सामने सामने मल्टीप्लाई होगा -10 मल्टीप्लाई बाय -10 ठीक है, सामने मल्टीप्लाई हुआ, और ये 11 मल्टीप्लाई बाय 11 सामने मल्टीप्लाई हुआ ठीक है। अब मल्टीप्लाई सिंपल, 10 टेंस 100, और ये माइनस, और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस आता है
ठीक है ना, ओके माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव 100 आएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है, 11 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 11 का कितना हो जाएगा 121, ठीक है ना, कितना आएगा 121। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, 100 अपॉन 121। सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे जो रेसिप्रोकल हम लोग ने लिया है, डिवाइड का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और जो सेकंड रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल में क्या आएगा, न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर में जाता है, डिनोमिनेटर का नंबर न्यूमरेटर में आता है। तो 11 अपॉन 10 का क्या हो गया, 10 अपॉन 11 हो गया। सिर्फ जो माइनस का साइन है वो ऊपर का ऊपर ही रहेगा, वो कहीं पे जाएगा नहीं, ये ऊपर ही रहेगा, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सम है जिसमें माइनस सेवन अपॉन 8 डिवाइड बाय माइनस 3 अपॉन 6, ठीक है, माइनस 7 अपॉन 8 डिवाइड बाय माइनस 3 अपॉन 6। तो मैंने माइनस 7 अपॉन 8 एज इट इज लिखूंगा पहले, ठीक है। ये जो डिवाइड का साइन है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब मल्टी डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा तो ये सेकंड वाला जो फ्रैक्शन नंबर है उसका क्या रहेगा, बस लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 6 का क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 3 हो जाएगा। 3 अपॉन 6 का रेसिप्रोकल 6 अपॉन 3, माइनस साइन ऊपर ही रहेगा न्यूमरेटर में, वो कहीं नहीं जाएगा, ओके। 7 अपॉन 8 एज इट इज, ठीक है, 7 को मैंने ऐसे रखा। ये जो 6 है, 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 3 लिख सकता हूँ, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये साइन माइनस है तो मैंने माइनस 2 को रखा, ठीक है, वजह तो पता है वो 2 को क्यों रखा है वो बता। इसमें भी है कि 3 भी रख सकते हैं, 2 को भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों कैंसिल होने वाले, ओके। देखो अभी यहाँ पे, ठीक है, तो कहीं कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। तो माइनस 6 को मैंने क्या लिखा, माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है। और यहाँ पे 8 है, 8 को मैंने क्या लिखा, 2 4 जा, 8 को क्या लिखा मैंने, 2 4 जा, ओके। और यहाँ पे ये 3 एज इट इज रहा, ये वाला 3 जो रहेगा वो एज इट इज है। यहाँ तक किसी को डाउट, ये समझा सबको, किसी को डाउट है चैट बॉक्स में लिख सकता है। ओके अभी अब यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो सकता है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जो 2 है, ये जो 2 है और ये 2 है वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो सकता है। लेकिन ये माइनस 2 है, माइनस 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1 आएगा, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा, वो माइनस होने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1 आएगा, वो माइनस साइन नहीं जाएगा, माइनस साइन वैसे ही रहेगा, कैंसिल तो सिर्फ नंबर हुआ ना, तो माइनस साइन तो रहेगा ही। तो यहाँ पे माइनस 1 समझ में आया, माइनस 1 कैसे आया, 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा, माइनस 1। अब ये 7 माइनस 7 यहाँ पे लिखा मैंने, ये मैंने माइनस 1 मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे क्या बचा, 4, ये जो 4 बचा है मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है ना, कैंसिल होके यहाँ पे माइनस 1 बचेगा। ये 7 मैंने यहाँ पे लिखा, ये माइनस 1 मैंने यहाँ पे लिखा, और ये 4 जो लास्ट डिनोमिनेटर बचा मैंने यहाँ पे लिखा। तीनों समझ में आया क्यों आया, ठीक है ना। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे माइनस 6 है। माइनस 1 क्यों आएगा, क्योंकि क्या है, माइनस 2 अपॉन 2 है ना, ये जो है ये माइनस 2 और ये 2 को कैंसिल कर रहा हूँ मैं, ये माइनस 2 और ये 2 को कैंसिल कर रहा हूँ, माइनस 2 अपॉन 2 जब मैं कैंसिल करूंगा तो ये माइनस नहीं बचेगा। तो यहाँ पे माइनस, सिर्फ माइनस तो लिख नहीं सकते, माइनस हम लोग क्या लिखेंगे, 2 1 जा 2 1 जा लिखेंगे ना, ये तो पॉजिटिव 1 तो नहीं लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव 1 को तो लिखना ही पड़ेगा। समझा कि नहीं, माइनस 1 कैसे आया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 1 बचेगा, ओके, इसीलिए माइनस 1 आएगा। तो ये माइनस 1 मैंने यहाँ पे लिखा, ये माइनस 7 मैंने यहाँ पे लिखा, और ये डिनोमिनेटर में 4 है मैंने यहाँ पे लिखा,
ओके अभी सामने सामने मल्टीप्लाई, ये सेवन वनजा कितना होता है, सेवन होता है, सेवन और यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव सेवन आएगा, ठीक है ना, माइनस सेवन मल्टीप्लाई बाय माइनस वाइज पॉजिटिव सेवन, और डिनोमिनेटर में फोर है वो फोर ऐसे ही रहेगा, ठीक है, तो ये फोर हो जाएगा, तो फाइनल आंसर अपना क्या हुआ, सेवन अपॉन फोर, क्या हुआ, सेवन अपॉन फोर। किसी को कुछ डाउट, तीनों सम में कुछ डाउट है, ठीक है, और ये तीनों सम के लिए मैं तुम लोग को स्क्रीनशॉट के लिए फोटो बताता हूँ कैसे करने के लिए, ऐसा तुम लोग को क्लियर दिखेगा। अब इसका तुम लोग ने स्क्रीनशॉट लेना, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तीन सम और वो तीन सम, तीन तीन छह सम है, ठीक है ना, छह सम तुम्हें होमवर्क में टू टाइम करना है, ठीक है, होमवर्क में टू टाइम करके तुम्हें सेंड करना है, कल संडे है, कल छुट्टी है, होमवर्क टू टाइम रहता है, फिर भी कुछ लोग वन टाइम ही होमवर्क करके भेजते हैं, और मिस्टेक्स भी रहता है, तुम्हें सिर्फ देख के लिखना रहता है, देख के लिखने भी नहीं हो रहा है तुम्हें, कितना मिस्टेक करते हो तुम, ठीक है, बराबर से देख के सही से लिखना है, छह सम है, छह सम होमवर्क में टू टाइम करके मुझे सेंड करना है, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। होमवर्क टू टाइम, यही मल्टीप्लीकेशन के तीन सम थे वो, और ये डिवीजन के तीन सम है, तीन तीन छह सम है, छह सम होमवर्क करके दिखाना है, आज करो, कल करो, कभी भी करो, कल छुट्टी रहेगा, कल करके दोगे तो भी चलेगा, टू टाइम्स होमवर्क इज टू टाइम, ठीक है ना, कल का पूरा दिन है तुम्हारे पास, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, थैंक यू। स्टूडेंट्स अभी तो मैं लेक्चर जो होगा स्टार्ट 6:15 का होगा, ठीक है, तो सेम लिंक से तुम्हें ज्वाइंट होना है 6:10 को, ठीक है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिसने भी नंबर नहीं भेजा है प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज करो, तभी तुम्हें लिंक मिलेगा, ठीक है, बेस्ट ऑल।